माय नेम इज़ रहीम खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट एंड ईएस एकेडमी। गाइस, अगर आज आप पहली बार माय चैनल पे आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल हमने रिजिड पेमेंट की डिज़ाइन के लिए कुछ पैरामीटर्स देखे थे, आज हम आगे की डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पेमेंट डिज़ाइन, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेसेस के बारे में कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रेसेस, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस लगते हैं, स्ट्रेस लगते हैं रिजिड पेमेंट में। तो हम बात करते हैं उन स्ट्रेस की। फर्स्ट लगता है लोड स्ट्रेस ड्यू टू व्हील लोड, व्हील लोड के कारण जो स्ट्रेस लगता है लोड स्ट्रेस। सेकंड लगता है टेम्परेचर स्ट्रेस, जो कि उसमें दो टाइप के होते हैं वार्पिंग एंड फ्रिक्शन स्ट्रेस। वार्पिंग होता है ड्यू टू डे नाइट टेम्परेचर वेरिएशन, दिन में टेम्परेचर अलग होता है नाइट में अलग होता है, उसके वेरिएशन के कारण वार्पिंग स्ट्रेस लगता है। सेकंड इज द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस ड्यू टू सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन। फ्रिक्शन स्ट्रेस होता है सीजनल के लिए, विंटर समर के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है, इसलिए फ्रिक्शनल स्ट्रेस लगते हैं। तो अब इनके अलग अलग हमें डीपली डिस्कस करते हैं इनको स्ट्रेसेस को। पहले हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन कोई भी प्लेन है उसमें तीन लोकेशन कंसीडर करेंगे, इंटीरियर, एज और कॉर्नर। इन एज कॉर्नर तो जो कोने हैं इसके प्लेन के, एंड एज जिसके एज है, और इंटीरियर इसका इनर पार्ट इज द इंटीरियर। हम तीन लोकेशन पे स्ट्रेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोड स्ट्रेस। दिस स्ट्रेस डेवलप इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ स्लैब ड्यू टू व्हील लोड। व्हील लोड के कारण लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्लैब पे जो लोड, जो स्ट्रेस डेवलप होता है जस्ट कॉल लोड स्ट्रेस। अब तीन डिफरेंट लोकेशंस के लिए स्ट्रेस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इंटीरियर के लिए, इंटीरियर के लिए स्ट्रेस होगा 0.316 पी अपॉन एच स्क्वायर 4 लॉग 10 एल अपॉन बी प्लस 1.069, जो कि होता है के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर इंटीरियर। और एज के लिए 0.572 पी अपॉन एच स्क्वायर 4 लॉग 10 एल बाई बी प्लस 0.359 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर एज के लिए। फॉर कॉर्नर के लिए 3 पी अपॉन एच स्क्वायर 1 माइनस ए रूट 2 अपॉन एल की पावर 0.6 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर कॉर्नर। ये तो लोड स्ट्रेस फॉर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए। अब इनकी नेचर डिस्कस करते हैं डिफरेंट लोकेशन पर नेचर। फर्स्ट करते हैं एट इंटीरियर एज पे। जो इंटीरियर एज पे है उस पर व्हील लोड लग रहा है नीचे की तरफ, तो उसमें टॉप पे तो होगा कंप्रेशन एंड बॉटम पे टेंशन। ये देखो टेंस हो रही है और ये कंप्रेस हो रही है, तो टॉप पे कंप्रेशन बॉटम पे टेंशन। अब बात करें कॉर्नर की, तो कॉर्नर में जो वेट लग रहा है उसमें टॉप और बॉटम, जिसमें टॉप में टेंशन दिस टेंशन एंड बॉटम में कंप्रेस दिस इज कंप्रेशन। दिस इज द नेचर ऑफ लोड स्ट्रेस फॉर डिफरेंट लोकेशंस। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ क्रैक ड्यू टू कॉर्नर लोडिंग। कॉर्नर पे लोडिंग के टाइम जो पोजीशन, जिस पोजीशन पे क्रैक आता है, मान लो इस पे यहाँ पे लोड लग रहा है इस पॉइंट पे, अब जहाँ पे क्रैक आएगी उसकी लोकेशन होगी एक्स। अब एक्स को होगा 0.58 रूट ए एल, दिस इज द एक्स जो लोकेशन डिस्टेंस कॉर्नर पे जहाँ पे लोड लगेगा वहाँ से क्रैक की डिस्टेंस, दिस इज द एक्स 2.58 रूट ए एल। इसमें पी है व्हील लोड इन केजी, अभी हमने डिस्कशन किए थे अलग अलग फॉर्मूले। अब इसमें जो सिंबल्स हैं इनकी बात करते हैं, इसमें ये पी एच बी एल ये सब हैं, इनकी बात करते हैं। अब ये है पी है व्हील लोड इन के जी, एच इज़ द थिकनेस ऑफ स्लैब, एल इज द रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, बी इज द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग एक्शन, ए इज द रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। हमें रेडियस, रिलेटिव स्टिफनेस, इक्विवेलेंट रेडियस, रेजिस्टिंग एक्शन सब डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस। दिस स्ट्रेस डेवलप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ स्लैब ड्यू टू डे नाइट टेम्परेचर। हमने अभी बात की थी लोड स्ट्रेस की, जो भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लग रहा था बट व्हील लोड के कारण। और बात करें वार्पिंग स्ट्रेस की, ये भी सेम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगेगा बट डे नाइट टेम्परेचर वेरिएशन के कारण।
ड्यू टू डे नाइट टेम्परेचर वेरिएशन टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन बॉटम एंड टॉप ऑफ स्लैब. दिस टेम्परेचर वेरिएशन रिजल्ट्स इनटू एलिवेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्लैब विच रजिस्टर्ड बाई वेट ऑफ स्लैब ड्यू टू विच दिस स्ट्रेस डेवलप इन द कॉन्क्रीट. इसमें क्या होगा, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो स्लैब में एलिवेशन आएगा विच रजिस्ट द वेट, जो वेट को रजिस्ट कर रहा है उसके कारण जो एलिवेशन आएगा उसके कारण स्ट्रेस डेवलप होगा, दैट्स कॉल्ड वार्पिंग स्ट्रेस टेम्परेचर वेरिएशन के कारण. बात करते हैं नेक्स्ट नोट. इफ द स्लैब इज अज्यूम्ड वेटलेस देन देर इज नो वार्पिंग स्ट्रेस इन एट ऑल. अगर स्लैब को हम वेटलेस अज्यूम करते हैं, कोई वेट अज्यूम नहीं करते, तो उसमें कोई वार्पिंग स्ट्रेस नहीं आएगा. क्रिटिकल लोकेशन ऑफ वार्पिंग स्ट्रेस सेंटर ऑफ द स्लैब. अब उसमें ये कुछ क्रिटिकल लोकेशंस हैं वार्पिंग स्ट्रेस के लिए, वही सेम इंटीरियर एज और कॉर्नर. अब इंटीरियर के लिए होगा ई अल्फा टी अपॉन टू सी एक्स प्लस म्यू सी वाई वन माइनस म्यू स्क्वायर. एज के लिए सी एक्स ई अल्फा टी अपॉन टू या फिर सी वाई ई अल्फा टी अपॉन टू, जो भी इसमें मैक्सिमम होगा वो वाले अडोप्ट करेंगे. एंड कॉर्नर के लिए ई अल्फा टी अपॉन थ्री वन माइनस म्यू रूट ए बाई एल. दिस इज द फॉर कॉर्नर. अब इनकी नेचर की बात करते हैं हम. ये हमने पढ़ा स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होगा, स्ट्रेस किस वजह से लगेगा, ये सब पढ़िया डिस्कशन किया. अब इसके नेचर की बात करते हैं, स्ट्रेस के नेचर कैसा होगा. फॉर डे टाइम, डे टाइम में टॉप का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली टॉप पे आएगी. तो टी वन इज ग्रेटर देन टी टू. बॉटम मान लिया टॉप का टेम्परेचर है टी वन और बॉटम का टी टू, तो टी वन इज ग्रेटर देन टी टू. तो ज़्यादा वेट लगा नीचे की तरफ तो टॉप पे कंप्रेशन, बॉटम पे टेंशन. अब बात करें नाइट का, तो नाइट में सनलाइट नहीं होगी तो बॉटम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और टॉप जो एयर के संपर्क में है वो कुछ टेम्परेचर कम हो जाएगा उस एयर के कारण, या फिर फ्री सरफेस है इसलिए. तो टॉप का टेम्परेचर टी वन, बॉटम का टेम्परेचर टी टू और टी टू ज़्यादा होगा टी वन से. तो फिर टॉप पे टेंशन, बॉटम पे कंप्रेशन, लोड नीचे लग रहा है. ये अच्छा, आई थिंक आप समझ गए नेचर. अब हमने थोड़े पर डिस्कस किया था इस फॉर्मूले में सी एक्स और सी वाई, ये दो नई टर्म्स आई थी. अब इन्हें हम डिफाइन करते हैं ग्राफिकली, जिसमें देखो अब मैं बता देता हूँ. ई है मॉडुलस वेलोसिटी ऑफ स्लैब, अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, टी है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम स्लैब, म्यू है पॉइजन रेशियो, ए है रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, एल है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस एंड सी एक्स और सी वाई है फैक्टर जो कैलकुलेट करते हैं ग्राफिकली. तो हम बात करते हैं सी एक्स एंड सी वाई की, जो हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकली. इसमें क्या होगा, एक सी एक्स और सी वाई के बीच में ग्राफ डिस्कस करेंगे, दिस वन. और इसमें ये स्लैब में लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट और ये स्लैब और एल एक्स एंड एल वाई जूम कर लेंगे लेंथ और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्शन में और ट्रांसवर्स एक्शन में. और इस ग्राफ से एल एक्स और एल वाई टी के कंपेरिजन में सी एक्स और सी वाई की वैल्यू निकाल लेंगे. दिस इज द मेथड टू फाइंड सी एक्स एंड सी वाई. बात करते हैं लास्ट फ्रिक्शनल स्ट्रेस की. दिस स्ट्रेस डेवलप इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. ये स्ट्रेस भी सेम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डेवलप होगा, बट ड्यू टू सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन स्लैब एक्सपांड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स लीनियरली. दिस मोमेंट ऑफ स्लैब विल बी रजिस्टर्ड बाई फ्रिक्शन एट बॉटम ड्यू टू विच दिस स्ट्रेस डेवलप इन कॉन्क्रीट. इसमें कह रहे हैं ये सीजनल टेम्परेचर के कारण डेवलप होगा, एक्सपेंड भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है. दिस मोमेंट ऑफ स्लैब विल बी रिजल्टेंट बाई फ्रिक्शन एट बॉटम ड्यू टू विच, इसमें फ्रिक्शन डेवलप होगा बॉटम पे ड्यू टू विच स्ट्रेस डेवलप, जो नीचे कॉन्टैक्ट में है जो सरफेस उसमें एक्सपांड या कॉन्टैक्ट के कारण फ्रिक्शन डेवलप होगा, जो इसके कारण इसको कहते हैं फ्रिक्शन स्ट्रेस. इन समर सीजन कंप्रेसिव स्ट्रेस इज डेवलप्ड एंड विंटर स्ट्रेस इज टेंसाइल. मतलब समर सीजन में कंप्रेशन और विंटर में टेंसाइल, दो स्ट्रेस डेवलप होंगे. दिस वन
अब बात करते हैं इसके कुछ और। फ्रिक्शन फोर्स डेवलप बाय हाफ स्लैब डिवाइड बाय रेजिस्टिंग फोर्स बाय कंक्रीट एट क्रॉस सेक्शन। अब इसमें कुछ फॉर्मूले डेवलप किए हमने, जिसमें फ्रिक्शन फोर्स का एक फॉर्मूला डेवलप किया है, हाफ अल्फा एफ एल। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंस के लिए एक्स इक्वल टू जीरो के लिए, एक्स इक्वल टू एल बाई टू के लिए निकाला, जिसमें एस एफ जीरो आया और एस एफ मैक्सिमम आया। इसमें हम कॉर्नर एज और ये डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल जनरली एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज द फॉर्मूला। अब हम लास्ट बात करते हैं डिजाइन ऑफ जॉइंट्स की। हमने स्टार्टिंग में लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए किसी डिजाइन जॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि रिजिड पेमेंट के लिए जॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम बात कर रहे हैं डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट की, तो जॉइंट की डिजाइन करनी पड़ेगी। तो बात कर जॉइंट्स की। अब जॉइंट्स दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अब ट्रांसवर्स में होता है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कोई उसका नहीं है, नॉर्मल एक, ठीक है। अब इसमें डायग्राम से हम साफ देख सकते हैं, ये एक्सपांशन जॉइंट, ये डबल बार प्रोवाइड किया हमने एक्सपांशन जॉइंट पे, ये कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट एंड ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। ये डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स शो किए गए हैं डायग्राम में, आप देख सकते हैं एक बार इसे अच्छे से देख सकते हैं आप, जूम करके वीडियो पॉज करके आप आराम से जूम करके देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं फर्स्ट एक्सपांशन जॉइंट की, जो ट्रांसफर जॉइंट का फर्स्ट पार्ट है एक्सपांशन जॉइंट। एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड टू अलाउ लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन ऑफ स्लैब ड्यू टू इंक्रीज इन एनवायरमेंट टेम्परेचर। एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्लैब आराम से इंक्रीज जब होती है, अगर हम नहीं प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगी, अगर जॉइंट्स नहीं हो गए तो क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। इसलिए हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्रैक्स डेवलप ना हो इसके लिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन में, जो सी टेम्परेचर कारण प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें देखो, ये एक स्लैब, ये सेकंड स्लैब, और बीच में ये प्रोवाइड किया गया है लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन जॉइंट के लिए सम स्पेस, जो कि होती है ये स्पेस बिटवीन द एक्सपांशन जॉइंट, एल इक्वल टू डेल अपॉन टू अल्फा डेल टी। डेल टी है टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है वो उसका चेंज, एंड अल्फा जो हम इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड अल्फा इज थर्मल एक्सपांसर कोफिशेंट। एज पर आई आर सी डेल की वैल्यू विड्थ के लिए लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, स्पेसिंग लेस देन 140, दिस एज पर आई आर सी रिकमेंडेड। इस आई आर सी के इसमें ही लाइज करनी चाहिए ये वैल्यूज। अब बात करें डोवेल बार की एट एक्सपांशन जॉइंट, डोवेल बार को एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें अलग इस डायग्राम में सब कुछ बताया गया है, डोवेल बार को कहाँ प्रोवाइड करते हैं, क्या इसकी डायमीटर है, क्या इसकी लेंथ है, इसकी बाउंड्री है, कहाँ तक ये अनबाउंडेड है, पोजीशन क्या है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग क्या, सब इस डायग्राम में बताया गया है। देखो ये दिस वन, और ये इसको कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कैसे इसको प्रोवाइड करते हैं, डायग्राम में समझाया गया है। अब इसका पर्पज़ क्या है डोवेल बार को प्रोवाइड करने के लिए, टू अवॉइड द डिफरेंट डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन को अवॉइड करने के लिए, टू ट्रांसफर व्हील लोड फ्रॉम वन स्लैब टू अदर स्लैब। इसमें क्या था, एक स्लैब हो गई उसके बाद सेकंड स्लैब, तो इसके बीच में जॉइंट छोड़ते हैं, इसके बीच में डोवेल बार प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये अगर मान लो ये एक स्लैब है बीच में जॉइंट है, यहाँ पर लोड लगा तो ये नीचे की तरफ चली जाएगी स्लैब और ये ऊपर चली जाएगी, तो एक जर्क जनरेट हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर बीच में प्रोवाइड करते हैं एक, यहाँ बीच में डोवेल बार, ताकि कोई जर्क ना हो, इजीली कंफर्टेबल मूवमेंट हो उसके। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आर प्रोवाइड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। हमने लॉन्ग एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड किए थे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, टू अलाउ लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्लैब ड्यू टू डिक्रीज इन एनवायरमेंट टेम्परेचर, जो अलाउ करता है लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन को ऑफ स्लैब ड्यू टू डिक्रीज इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट टेम्परेचर का अगर डिक्रीज हुई तो लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन को अलाउ हो सके, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। इस डायग्राम में आपको सभी सारे जो मिलने देखने को मिल जाएंगे, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, कहाँ पे एक्सपांशन, आप एक बार अच्छे से डायग्राम को समझ लीजिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट करना, मैं सॉल्व कर दूंगा आपकी प्रॉब्लम। तो बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाई प्रोवाइडिंग ए कट मार्क। यहाँ पे एक कट मार्क प्रोवाइड करके रोड पे प्रोवाइड करते हैं, टू द टॉप ऑफ सरफेस टॉप स्लैब इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। एक कट मार्क प्रोवाइड करते हैं रोड पे, इज अ स्लैब एंड दिस इज अ कट मार्क,
दिस इज़ द कट मार्क, ये प्रोवाइड करते हैं फॉर कॉन्ट्रक्शन जॉइंट। दिस कट मार्क आर आल्सो कंसिडर एज पर डिफाइंड एज क्रैक लाइन्स, इसको हम क्रैक लाइन भी कह सकते हैं, जैसे क्रैक टाइप दिखने में क्रैक जैसे होती है। कॉन्ट्रक्शन जॉइंट कैन बी डिजाइंड विथ और विदाउट डबल बार। हाँ, अब देखो हमने डिस्कस किया था एक्सपांशन जॉइंट में हमने डबल बार प्रोवाइड किए थे, अब कॉन्ट्रक्शन जॉइंट में हमारी खुद की मर्जी है, डबल बार प्रोवाइड कर भी सकते हैं ना भी कर सकते हैं। आप इसमें दो केस बन सकते हैं, एक विदाउट डबल बार, एक विद डबल बार। तो प्रोवाइड करते हैं विदाउट डबल बार की। तो ये एक स्लैब है जिस पे हमने प्रोवाइड किया कॉन्ट्रक्शन जॉइंट, तो उसकी लेंथ दिस वन एज पर ऐसे लेस देन 4.5 मीटर होनी चाहिए और उसकी लेंथ होगी ये। अब बात करें विथ डबल बार, तो उसकी लेंथ होगी दिस वन, बस थोड़े बहुत लेंथ के फॉर्मूले में चेंज होगा क्योंकि इसमें डबल बार का जो स्टील है उसका जो एरिया है वो भी कंसिडर होगा फॉर्मूले के अंदर। इसमें कोई भी एरिया स्टील का नहीं होता, इसमें एरिया ऑफ स्टील आप देख सकते हैं AST आल्सो कंसिडर, दिस इज AST। बात करते हैं लास्ट लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट की। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट आर प्रोवाइडेड इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन टू अलाउ ट्रांसवर्स एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्लैब। जो हमने ट्रांसवर्स एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्स एक्सपांशन दिए थे उसको अलाउ करने के लिए एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जॉइंट भी देते हैं जिसको लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कहते हैं। अगर ये नहीं दे तो क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और ये होता है इन्वायरमेंट चेंज टेम्परेचर के कारण, इन्वायरमेंट टेम्परेचर चेंज होता है ना उसके कारण। टू होल्ड द स्लैब इन द पोजीशन टाई बार आर प्रोवाइडेड एट द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। अब इसमें हम डबल बार ना देखें, हम प्रोवाइड करते हैं टाई बार्स। अब टाई बार की डिज़ाइन देखते हैं फिर। इस डायग्राम में देखो टाई बार दिए हुए हैं, ये लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन है और इसमें टाई बार गिवन है, ये टाई बार गिवन है देख सकते हैं आप। ये अब फ्रिक्शन फोर्स एट वन मीटर स्लैब, अब इसमें कुछ एक मेथड यूज़ किया है इसमें, इस फ्रिक्शन फोर्स एट वन मीटर स्लैब इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स बाय टाई बार पर मीटर स्लैब। जितना फोर्स लगता है स्लैब के उतना रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा तभी वो बिना मोमेंट के बियर कर पाएगी। तो उसका यूज़ करते हुए इसको एक फॉर्मूला डेवलप किया गया है इसमें एरिया ऑफ स्टील निकालने का, नंबर ऑफ टाई बार का एंड सेंटर सेंटर स्पेसिंग का। ये तीन फॉर्मूले यूज़ करते हैं फॉर डिजाइनिंग का, पहले कितना एरिया रिक्वायरमेंट है टाई बार के लिए, कितनी नंबर ऑफ टाई बार चाहिए और कितनी स्पेसिंग पे चाहिए, और एज पर IRC जो उसका डायमीटर है वो लेस देन 20 mm होना चाहिए और सेंटर स्पेसिंग लेस देन 75 mm। ये फॉर एज पर IRC इसको ध्यान में रखते हुए इसकी डिज़ाइन करनी चाहिए फॉर सेफ एंड इकोनॉमिक। अब बात करते हैं लास्ट लेंथ ऑफ टाई बार। हमने इस पर एरिया देख लिया, नंबर ऑफ टाई बार देख लिए एंड स्पेसिंग देख लिए, लेंथ बाकी रहेगी। लेंथ की बात करते हैं। टाई बार इस तरह प्रोवाइड करते हैं सेंटर से हाफ हाफ डिस्टेंस दोनों तरफ डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए है डायरेक्ट फॉर्मूला फाई सिग्मा ST अपॉन 2 टो BD। दिस इज द जो जनरली RCC में देखने को मिलता है, इसमें इतना पूछा नहीं जाता, नॉर्मल फॉर्मूले याद रखो, क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले का पूछेंगे, बाकी अच्छे से डिस्कस करेंगे टाई बार का डोवेल बार का हम RCC के अंदर। ओके गाइज, थैंक यू गाइज। तो गाइज ये हमने डिस्कशन कर लिया था पेमेंट डिज़ाइन का, कंप्लीट हो गया आज, कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आज अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब गेट एंड ES Academy। थैंक यू गाइज़।